जो लोग अभी फिलहाल सोच रहे हो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ आयरन मैन के पास, ठीक है। मैं ये हिंट दे रहा हूँ, आयरन मैन के पास जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग अभी गेस करो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, आयरन मैन कौन है। जो लोग मोटर व्लॉगिंग देखते हो वो लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, फिर भी यार। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे गाइस। सो एक महीने बाद फाइनली मैं लौट चुका हूँ कि नया व्लॉग लेके। सो गाइस, अभी इस एक महीने में मैंने व्लॉग काफ़ी ज़्यादा शूट किया लेकिन कभी भी कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं की। इसका कारण यह है गाइस कि मैं 1.5 साल से यूट्यूब पे व्लॉग बना रहा हूँ गाइस। लेकिन एक नॉर्मल अगर कोई भी अगर 1.5 साल तक यूट्यूब करता है तो डेफिनेटली उन लोगों का 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन गाइज मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसी वजह से मेरा एक फ्रेंड है जो बेसिकली इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब पेज हैंडल करता है, तो मैंने उन फ्रेंड से पूछा कि भाई अभी क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा चैनल क्यों नहीं रीच कर पा रहा है। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, आप एक महीने तक ब्रेक ले लो, एक भी वीडियो अपलोड मत करो, उसके बाद एक महीने जब हो जाए उसके बाद नया वीडियो अपलोड करो, थोड़ा बहुत आपका चैनल का रीच जो है वो है अप हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा रीच बढ़ेगा। तो मैंने वही की गाइस, मैंने घूमा, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग शूट भी की लेकिन अपलोड नहीं की। तो अभी यार धीरे धीरे सारा ब्लॉग 1 by 1 अपलोड कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस आज का प्लान ये है गाइस कि आज ये वाला जो चीज़ है गाइस इसको मुझे कलेक्ट करने जाना है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा एक दोस्त का है। सो गाइस ये क्या है, ये है रेवोल्यूशन 2022 का पास गाइस। और रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन है सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटो कार्निवल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो गाइस बहुत मज़ा आएगा उस दिन जब ये वाला 13 दिसंबर का है, तो उस दिन बहुत मजा आएगा गाइस। तो अभी फिलहाल जाते हैं एक पास कलेक्ट करने के लिए। तो कहाँ पे जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ वो तो गाइस सरप्राइज है, तो उसके लिए आपको कोई ये वाला ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि चलो यार। तो आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, चलो। बाप रे बाप भाई, क्या खतरनाक जैम है भाई आज। इतना जैम तो होता नहीं है भाई, अभी ऑफिस टाइम छुट्टी है शायद इसी वजह से। नहीं यार, राइट साइड वाला लेन पूरा खाली है, सिर्फ ये लेन ही पे इतना भीड़, पता नहीं क्यों। देखो भाई रेस चालू, ठीक है, ये है मोटो जीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो सामने जा रहा है रॉसी भाई और उनके बगल में है गौस्तानी भाई। और देखो मैं अभी काफ़ी पीछे था, अभी देखो मैं 3rd रैंक पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जी रेड सिग्नल। तो अभी मैं 3rd आया हूँ इस रेस पे। तो इसके बाद फिर से नेक्स्ट रेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर रिवर्स काउंट डाउन हो रहा है अभी। ग्रीन सिग्नल हो जा भाई, हो जा जल्दी से हो जा भाई। इस बार तो मोटो जीपी रेस में मैं ही फास्ट आऊँगा, तो चलो। हाँ मैं फास्ट भाई, इस बार मैंने रॉसी भैया को हरा दिया भाई रॉसी भाई को। सो गाइज अगर आपको मज़ा आ रहा है तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब मार दो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, और अगर ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है ये भी आप कमेंट पे बोल सकते हो मुझे। तो भाई मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ दमदम एयरपोर्ट के नज़दीक, और यहाँ से बस ज़्यादा नहीं, बहुत कम होगा डिस्टेंस यहाँ से, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मिनट लगेगा अभी भाई। जो लोग अभी फ़िलहाल सोच रहे हो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ आयरन मैन के पास, ठीक है।
मैं ये हिंट दे रहा हूँ, आयरन मैन के पास जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग अभी गेस करो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, आयरन मैन कौन है। जो लोग मोटर व्लॉगिंग देखते हो वो लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, फिर भी यार। हाँ गाइज, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ चिनार पार्क के आसपास। ये है दमदम एयरपोर्ट के नज़दीक और देख सकते हो 5 लेन, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 लेन हाईवे है ये। और अभी फ़िलहाल बहुत जैम है यहाँ पे। अभी देखते हैं, मैं काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ। आई होप के 5 से 10 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स वहाँ पे पहुँचने के लिए। अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है फिलहाल। सो गाइस, मैं फाइनली अभी आ चुका हूँ। किसके पास आ चुका हूँ अभी आप लोग अभी देख लो, ठीक है। हेलो गाइस, इट्स माय ऑनर कि तुम यहाँ आए, एंड रेवोल्यूशन में तो ज़रूर मिलेंगे, वहाँ एकदम धमाल होने वाले रेवोल्यूशन में। भैया मैंने किसी को बताया नहीं अभी तक, मेरे सब्सक्राइबर किसी को भी पता नहीं है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो अगर आप, अगर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। या प्लीज़ प्लीज़ गाइस, डू सपोर्ट हिम एंड डू सब्सक्राइब हिम चैनल, ही इज़ डूइंग वेरी गुड एंड लाइक बहुत बहुत एफर्ट दे रहे चैनल के लिए। तो थोड़ा टाइम आप भी दे दो एंड थोड़ा शेयर भी कर लो बस, ठीक है गाइस। तो आप लोग जैसे देख सकते हो भैया ने भी बताया, ठीक है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो। एंड प्लीज रेवोल्यूशन में आ जाओ यार, मिलते हैं। वेस्ट बंगाल का ना बिगेस्ट बाइकिंग करने वाले है, तो जरूर आना एंड मिस मत करना एंड पासेस कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो रेवोल्यूशन का जितने सारे पासेस थे तो वो सारे एनवी मेरे के पास यहाँ पे है, तो इसमें बहुत सारी जगह में भी है। अगर तुम्हारा घर के आसपास भी मिलेंगे, अगर जानना है तो मेरा प्रोफाइल में, मतलब मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल में है, मेरा एक लाइक है, वहाँ एकदम डिटेल में दिया हुआ है कैप्शन में। आपका घर जहाँ है ना, वहाँ आपका फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, तो उस फोन नंबर फ़ोन करके पास कलेक्ट कर लेना। लेकिन पास ज़रूर कलेक्ट करना, देरी मत करना क्योंकि पासेस ख़त्म हो जा रहा है बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो आपने सुन लिया, तो जल्दी से जल्दी सब लोग पास कलेक्ट कर लो यार, और मिलते हैं यार रेवोल्यूशन में, चलो यार। तो गाइज अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, और ये रहा अपना डिटेलिंग एक्सप्रेस जो कि एनवी भैया का शोरूम है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी अपने कार या फिर बाइक को अगर वॉश करवाना हो, अगर अच्छे से उसको चमकाना हो, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा। तो डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डिटेल्स पिक कर सकते हो। गाइज एनवी भैया को कोलकाता में सब लोग पहचानते हैं, मतलब जो लोग बाइकिंग कल्चर के, ठीक है ना, मतलब बहुत लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि मेरे लाइफ में सेलिब्रिटी से कम नहीं है एनवी भैया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो। तो यार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मैं मतलब मैं एनवी भैया के सामने, वो शायद आप लोगों ने कैमरे पे बात करने के टाइम पे पता नहीं नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था भाई। मतलब मैं एनवी भैया के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ भाई। मेरा तो पूरा मतलब नर्वस के नारे, मेरा हालत ख़राब हो गया था भाई। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो आपको बताया क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को प्लीज़ 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 जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए पीस गाइस, पीस।